नहीं, मुख्यमंत्री बनाना है हमको। अच्छा अच्छा, डॉक्टर संतोष कुमार सुमन को मुख्यमंत्री बनाना, मुख्यमंत्री बनाना, मुख्यमंत्री बनाना है। अगर 25 का इलेक्शन होगा तो मुख्यमंत्री का भी देखिए कॉन्फिडेंस देखिए इनका, सिंगर कुंदन अनमोल जी का कॉन्फिडेंस देखिए कि ये कभी न जीतन राम मांझी जी से मिले हैं, न डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी से मिले हैं, लेकिन इनको विश्वास है कि जीतन राम मांझी जी के ऊपर हम गाना गाए हैं तो जीतन राम मांझी जी जीतेंगे, जीतेंगे, ये विश्वास पक्का है आपका? 110% इनका विश्वास है। और ये कह रहे हैं कि सांसद तो बन जाएंगे जीतन राम मांझी जी, अब उनका जो बेटा है जो संतोष कुमार सुमन जो अभी बिहार सरकार में मंत्री है, उनको ये मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं जो 25 का विधानसभा चुनाव में है ना, यानी 2025 में उनको मुख्यमंत्री भी बनाना चाहते हैं सिंगर कुंदन अनमोल जी। कि नाली गाली रोड बनवाई दे थुन पक्का के मकाना नए भैया रखी हदे। क्या बात क्या बात क्या बात, नाली गाली रोड बनवाई दे थुन पक्का के मकाना नए चाचा रखी हदे यानावा। कि कहे थी ओ बात ना भूलई हो भैया, और चार नंबर पे बटन दबई हो भैया। क्या बात, कहे थी ओ बात ना भूलई हो भैया, और चार नंबर पे बटन दबई हो भैया। जीता रमन जी के सांसद बनाई दीहा हो, जीता रमन जी के सांसद बनाई दीहा हो, कड़ाही छप पे बटन दबाई दीहा हो। क्या बात है। यही इसी के साथ हम जनता से अपील किए थे कि भैया जो हम जो रियलिटी है जो हम बताए थे कि हमारे सांसद पूर्व मुख्यमंत्री जीता रामा जी जिनका चुनाव चिन्ह कड़ाही छाप क्रमांक संख्या 4 है, यही हम जनता से अपील किए थे कि इस बार सांसद बना देना है। अच्छा, तो आपसे सवाल मेरा ये है कि आप जीतन राम मांझी को सांसद ही क्यों बनाना चाहते थे? आपके पास तो गया जिला में 14 कैंडिडेट थे, उनको भी चुन सकते थे, लेकिन जीतन राम मांझी जी में ऐसा क्या आपको समझ में आया कि जीतन राम मांझी जी के लिए आप गाना गाए? जी बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि गया में 14 कैंडिडेट थे, उसमें जीतन राम मांझी का क्यों चुने? तो आपको हम एक बात बताना चाहते हैं कि जो इंसान गरीबों का दर्द समझेगा, दुख समझेगा, गरीबों के साथ बैठकर खाना खाएगा, हल सवाल का जवाब उत्तर देगा, हम उसी को न चुनेंगे, चाहे वो कोई भी रहता। हमारे नजर में अंदाज में जीता राम मांझी हमको बहुत बढ़िया नेता है, जमीनी स्तर का नेताओं हैं, गरीबों का दुख समझते हैं, इसीलिए हमने बिना स्वार्थ का कुछ कहे हुए उनका हमने प्रचार किया। अच्छा जी, बिना निस्वार्थ होकर के प्रचार किया और लोगों का अपील किया कि भैया ये हमारे पूर्व जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री जो हैं गया लोकसभा क्षेत्र से सांसद के लिए तैयार हो गए हैं, तो हम लोग का सांसद बनाना है, इसी के चलते हम उनको अपील किए थे। जीतन राम मांझी जी आपको कुछ पैसा उसा तो दे करके गरम तो नहीं निकले इसलिए? नहीं सर, नहीं सर, आज तकला हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से भी बात नहीं हुई है, ना उनका जो मंत्री साहब है डॉक्टर सुमन संतोष कुमार सुमन, ना उनसे हमको मुलाकात हुई है। ये हमारा एक निस्वार्थ भाव है कि हमने अपना अपना आदमी को चुना और निस्वार्थ भाव से जो भी किया निस्वार्थ किया है ना, इसमें जीतन राम मांझी जी पर जो गाना गाया है, निस्वार्थ किया, आपका गाना मार्केट में बजा है जी। अच्छा, चुनाव प्रचार गाना जो जीतन राम मांझी जी के ऊपर आप गाए थे, क्या आगे भी प्लान है कुछ गाने के? बिल्कुल आगे भी प्लान है जी, हम तो सोचते हैं कि जैसे हमारे जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री सांसद बनते हैं तो हम अपील करेंगे लोगों से कि सांसद ही नहीं मुख्यमंत्री बनाना है हमको। अच्छा, डॉक्टर संतोष कुमार सुमन को मुख्यमंत्री बनाना, मुख्यमंत्री बनाना, मुख्यमंत्री बनाना है। अगर 25 का इलेक्शन होगा तो मुख्यमंत्री का भी देखिए कॉन्फिडेंस देखिए इनका, सिंगर कुंदन अनमोल जी का कॉन्फिडेंस देखिए कि ये कभी न जीतन राम मांझी जी से मिले हैं, न डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी से मिले हैं, लेकिन इनको विश्वास है कि जीतन राम मांझी जी के ऊपर हम गाना गाए हैं तो जीतन राम मांझी जी जीतेंगे, जीतेंगे, ये विश्वास पक्का है आपका? 110% इनका विश्वास है। और ये कह रहे हैं कि सांसद तो बन जाएंगे जीतन राम मांझी जी, अब उनका जो बेटा है जो संतोष कुमार सुमन जो अभी बिहार सरकार में मंत्री है, उनको ये मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं जो 25 का विधानसभा चुनाव में है ना, यानी 2025 में उनको मुख्यमंत्री भी बनाना चाहते हैं सिंगर कुंदन अनमोल जी। अच्छा, और भी कोई नेतागण पर आप गाना उन्हें गाए जी? हाँ, नेता अभी वर्तमान में हमारे चेयरमैन साहब है विजय कुमार मांझी,
अच्छा, जो बोधगया के चेयरमैन है, बोधगया के चेयरमैन है। हाँ। और भाग्यशाली कहिए, हमको कहिए या फिर उनको कहिए या फिर पूरा जनता का आशीर्वाद चाहिए कि जो हमने गाना गाया और गाना इतना हिट किया कि वो जीत चुके हैं और चेयरमैन के पद पे बैठे। अच्छा, कैसा गाना गाए थे जो वो जीत गए? विजय कुमार मांझी का गाना था, देखिए। हाँ, विजय मांझी हाथी नाने का दिल इंसानावाना ये भैया राखी हाधे यानावा 15 नंबर पे दाबी हवा। यानी चुनाव हो करके लगभग 3 साल बीत गया, लेकिन अभी भी कुंदन अनमोल जी का जो उनका चुनाव चिन्ह था और कितने नंबर पे उनका चुनाव चिन्ह था, ये सब कुछ इनको याद है। और थोड़ा सा और सुनाइए इस गाना को, थोड़ा सा और सुनाइए। आपका गाना तो मार्केट में बजा ही, सब कोई देखा, थोड़ा सा और सुनाइए हमारे दर्शक को ये गाना को। जैसे उसमें था ना कि नाली गाली रोड बनावाई दे थुन पाका के मकानावाना ये भैया रखी हाधे। क्या बात, क्या बात, क्या बात। नाली गाली रोड बनावाई दे थुन पाका के मकानावाना ये चाचा रखी हाधे यानावा टेबुल लैंप छापानी सनावाना भैया रखी हाधे याना। चलिए, बहुत अच्छा। तो इनका गाना बहुत अच्छा है। आप गए थे जनता को कि नली गली रोड बनवा ही देता तुम। हाँ। का बन रहा है? देखिए, अभी तो हम मार्केट में नहीं घूम रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि कोशिश उनका जारी है। अच्छा, मेहनत जारी, मेहनत जारी है। हाँ। जहाँ तक प्रोसेस में लगा हुआ है। हाँ। हाँ। और जैसी प्रोसेस आता है तो बनेगा ही बनेगा, यानी आपको क्योंकि आगे भी तो उनका राजनीति करना है। जी, अभी इनका मानना ये है कि हमने विजय मांझी जी के ऊपर जो गाना गाए थे और ललिता देवी के ऊपर, उनका जीत निश्चिंत हुआ था। और उसी प्रकार से जीतन राम मांझी जी के ऊपर भी गाना गाए हैं, तो इनका इतना कॉन्फिडेंस है कि जिन पर हम गाते हैं वो जीत ही जाते हैं, और इस बार जीतन राम मांझी जी भी जीतेंगे। बाकी जो भी गाना आप सुने वो सब सरगम स्टूडियो बोधगया पर आपको मिल जाएगा। जाकर के यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा सरगम स्टूडियो बोधगया, वहाँ ये सब गाना सब मिल जाएगा। बाकी जो नया गाना आने वाला है, जो 2-4 दिन के भीतर जो गाना इनका छूटेगा, वो सब सरगम स्टूडियो पर मिल जाएगा। अच्छा, सरगम स्टूडियो का फेसबुक पेज भी है? सरगम स्टूडियो फेसबुक पेज भी है ना। हाँ। सरगम स्टूडियो फेसबुक पेज भी है और यूट्यूब चैनल भी है, आप जाकर के वहां सर्च कर सकते हैं। बाकी नमस्कार, आप देख रहे थे डिस्ट्रिक्ट न्यूज बिहार। आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो अच्छे गाना गाते हैं मार्केट में लोग, उनको सपोर्ट मिल सके। हमारे साथ कुंदन अनमोल जी थे, इनको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी नमस्कार, फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।